स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टू माय चैनल संदीप जैन क्लासेस आज हम क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश कंपलसरी की टेक्स्ट बुक रेनबो के नाइन्थ चैप्टर अ वॉक थ्रू द फायर की स्टडी करेंगे इस चैप्टर में एडी स्मिथ ने अपने वास्तविक जीवन के अनुभवों का वर्णन किया है उस समय के अनुभवों का वर्णन किया है जब ब्रिटिश सेना में सैनिक के रूप में भारत में हैदराबाद में पोस्टेड थे तो इसकी इस स्टडी के अंतर्गत हम इसका हिंदी में ट्रांसलेशन समझेंगे और इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स को भी डील करेंगे तो आइए हम इस लेसन को समझते हैं एक शाम को जब मैं अटारी में पड़े संदूक की सामग्री को व्यवस्थित कर रहा था तो मुझे भारत में अपने सेना के दिनों का एक स्मृति चिन्ह एक खाकी रंग का पायजामा दिखाई पड़ा लेखक की पूर्व में पोस्टिंग भारत में थी और ब्रिटिश सेना में एक सैनिक के रूप में लेखक काम करता था तो उसी की याद इस पायजामे के रूप में लेखक के पास में सुरक्षित थी आगे लेखक कहते हैं कि मैं समझता हूँ उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं था वास्तव में उष्ट कटिबंधीय क्षेत्र के लिए सेना द्वारा दी गई किट का एक विशेष पायजामा था जो 20 वर्षों की लंबी अवधि के पश्चात भी सुरक्षित रखा हुआ था और सही हालत में था सिवाय इसके कि इसके नीचे वाला जो भाग था वो बुरी तरह से जला हुआ था टांगों के पास वाला कुछ भाग जो है वो जला हुआ था और ऐसा लगता था जैसे किसी ने जान इसे आग की लपटों के हवाले कर दिया हो और वास्तव में इसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था यहाँ लेखक अपनी कहानी बताते हुए इसको आगे बढ़ाते हुए कहते हैं यह उन्नीस का शुरुआती समय था जब मुझे पता चला कि मेरी नियुक्ति हैदराबाद राज्य के बेगमपेट नामक स्थान पर सेपर कैंप में हो गई थी बेगम पेट एक छोटा सा स्थान था उस समय हैदराबाद का स्टेटस एक राज्य के रूप में था और सेपर कैंप जो था वो सैनिकों का ऐसा कैंप हुआ करता था जो सड़क और पुल आदि बनाने का कार्य करते थे इसमें ज़्यादातर सैनिक जो है वो टेक्नीसियन हुआ करते थे और आगे लेखक कहते हैं कि एक दिन शाम को जब मैं सिकंदराबाद के पास के कस्बे का दौरा कर लौट रहा था तो वहाँ पर एक चीनी रेस्टोरेंट में मैंने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया और लेखक आगे कहते हैं कि आई वॉज़ एट पीस विद द वर्ल्ड मैं पूरी दुनिया के साथ शांत था यानी इस कहने का तात्पर्य ये था कि लेखक का मूड जो था वो बहुत अच्छा था आगे देखिए मैं सड़क पर ऐसी जगह पहुंच गया था जहां यह दो हिस्सों में बंटी हुई थी यानी सड़क आगे बाई पर गेट हो रही थी और जैसे ही मैं बाई और अपने कैंप की तरफ मुड़ रहा था अचानक मुझे ट्रक की रोशनी में दाई ओर की सड़क की एक झलक सी दिखाई पड़ी लेखक का कैंप जो था वो बाई ओर था एक सड़क जो है वो दाई और ओर जा रही थी लेकिन लेखक को अपने ट्रक की रोशनी में कुछ वहाँ पे दिखाई दिया यह रास्ता गाड़ियों के आने जाने के कच्चे रास्ते से थोड़ा ठीक था और एक छोटे से गांव फिरोज गुड़ा जाता था जिस जो हम दाई ओर के रास्ते की बात कर रहे हैं वो थोड़ा कच्चा था ठीक था थोड़ा कच्चे से थोड़ा ठीक था और फिरोज गुड़ा की तरफ जाता था मैंने ट्रक वहीं रोक दिया और रिवर्स करते करते वहाँ तक आ गया जहाँ किसी वस्तु ने पहली बार मेरा ध्यान आकृष्ट किया था कोई चीज़ लेखक को सड़क पर देखी थी और लेखक ने गाड़ी को रिवर्स करके और वो गाड़ी को वहाँ तक ले आए थे और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने कुछ धुंधली सी आकृतियों को जल्दी जल्दी उबड़ खाबड़ ज़मीन पर ऐसे पागलों की तरह गायब होते हुए देखा भागते हुए देखा यानी कुछ लोग थे और लेखक ने उन्हें भागते हुए देखा वे जो भी कोई थे वो ये स्पष्ट था कि जल्दी से जल्दी वो मुझसे दूरी बनाने को व्याकुल थे अर्थात वो मुझसे भागने के लिए आतुर दिखाई दे रहे थे वो मुझसे दूर चले जाना चाहते थे मैंने उन्हें जाने दिया क्योंकि पहली बार देखने पर जमीन पर सफ़ेद कपड़ों की जो एक गठरी सी दिखाई दे रही थी उसे और अधिक ध्यान से देखने पर वो वास्तव में एक अधेड़ भारतीय व्यक्ति निकला वो जो पहले इसको लिखा के लगा कि जमीन पर कोई सफ़ेद गठड़ी पड़ी है लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि एक बूढ़ा भारतीय व्यक्ति वहाँ जमीन पर पड़ा हुआ है वह बिल्कुल निश्चल था अचेत था और यह देखकर मुझे किसी अनिष्ट की आशंका होने लगी लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुँच और घुटनों के बल झुका उसने अपनी आँखें खोल दी लेखक को लगा कि कहीं उसकी आ, कहीं उसकी मौत तो नहीं हो गई थी और अनिष्ट की आशंका हुई लेकिन जैसे ही लेखक उसके पास बैठा उसने अपनी आंखें खोल दी उसका चेहरा जो है वो खून से भरा हुआ था लहूलुहान था और ये बिल्कुल स्पष्ट लग रहा था कि कुछ समय पहले ही उसके चेहरे पर आ, जूतों से ठोकरे मारी गई थी ये कहते हैं कि ये मेरे जीवन में प्रथम बार नहीं था जब मैंने चाहा कि मैं एक अच्छा सैनिक बनूं, जो अपने साथ अपने पायजामे में जो विशेष रूप से एक जेब बनी हुई थी उसमें सिगरेट के पैकेट के स्थान पर प्राथमिक उपचार की सामग्री जैसे मरहम पट्टी इनका किट रखूँ अर्थात लेखक के कहने का मतलब है कि उसकी जेब में जो प्राथमिक उपचार की सामग्री होनी चाहिए थी वो नहीं थी उसके स्थान पर सिगरेट के पैकेट थे तो लेखक आगे कहते हैं लेकिन एक अच्छा सैनिक न होकर भी अब मुझे एक बड़े रुमाल से ही अपना सबसे अच्छा प्रयास करना था यानी बड़े रुमाल से ही मैं इस बूढ़े भारतीय जो व्यक्ति जो घायल अवस्था में पड़ा था उसका किसी प्रकार से प्राथमिक उपचार करना था और जब मैंने जैसे तैसे उसके चेहरे से खून साफ कर लिया तो मैंने देखा कि वास्तव में यह बहुत बूढ़ा भारतीय व्यक्ति मैं ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा बूढ़ा था और अब मुझे पहले से भी अधिक चिंता हुई निश्चित रूप से उसे बेरहमी से पीटा गया था बेदर्दी से पीटा गया था और मैं उसे हिलाना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उसको कितनी इंटरनल इंजरीज़ आई थी यानी आंतरिक चोटें आई थी क्योंकि उसको हिलाने डुलाने से उसके आंतरिक चोटों से रक्त बह सकता था और ज़्यादा नुकसान हो सकता था दूसरी ओर मैं महसूस कर रहा था के शिविर में जाकर सहायता मांगने तक उसे ऐसी गंभीर स्थिति में जहाँ वो अब सड़क पर पड़ा था वहाँ पे छोड़ा भी नहीं जा सकता था यानी लेखक जो है वो उसको वहाँ छोड़कर कर शिविर में सहायता मांगने भी नहीं जा सकता था और वास्तव में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ तभी अचानक वह बूढ़ा व्यक्ति उठकर बैठा और बड़ी सरलता से खड़ा हो गया मतलब अचानक से उठ के बैठ गया और बैठ के खड़ा हो गया त्वरित रूप से लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ लेखक जमीन पर पालथी मारे बैठा रहा यानी मैं जमीन पर पालथी मारे बैठा रह गया और जिस वक्त मैं अपनी जो आधी अधूरी टूटी फूटी उर्दू में उससे जल्दी जल्दी ये पूछने की कोशिश कर रहा था कि वह ठीक था या नहीं तभी उसने शुद्ध अंग्रेज़ी में समय पर बचा लेने और टाइमली इंटरवेंशन करने के लिए धन्यवाद दिया और शुद्ध अंग्रेजी में उसने जब ऐसा कहा टाइमली इंट्रोवेंसन तो लेखक दूसरी बार चौंक गया चकित हो गया उसने यही शब्द इस्तेमाल किए थे टाइमली इंट्रोवेंसन और आप सोच सकते हैं कि एक ऐसे फटेहाल एक नंगे पैर भारतीय के मुंह से ये शब्द कितने अटपटे लगे होंगे जिसकी सारी संपत्ति उसकी धोती में कहीं रहस्यमय गठरी में बंदी प्रतीत होती थी यानी लेखक के अनुसार उसके पास में ऐसा लगता था कि जो कुछ उसके जीवन में है उसकी संपदा है वो उसके धोती में कहीं गठरी में बंधी हुई होगी इतना ही उसके पास में पैसा होगा संपत्ति होगी और वो व्यक्ति जब इस तरह के शब्द यूज करे टाइमली इंटरवेंशन तो लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ फिर वो मुझे बताने लगा कि उसके ऊपर आक्रमण करने वाले दो एंग्लो इंडियन युवक थे लेकिन वह उनके हाथों ज़्यादा प्रताड़ित नहीं हुआ क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैं शीघ्र ही वहाँ पहुँच जाऊँगा यानी लेखक जो है उस बूढ़े व्यक्ति के अनुसार लेखक के वहाँ पे आने की संभावना उसको पता थी और मैं शीघ्र ही वहाँ पहुँच जाऊँगा और उन्हें रोक दूँगा और इसीलिए उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और बेहोश होने का नाटक किया जब मैंने उससे यह जानना चाहा कि उन दोनों युवकों ने उसके साथ में मारपीट क्यों की तो उसने उसके प्रश्न को उसने मेरे प्रश्न को टाल दिया और इसलिए मैंने भी इस बात पर बहुत जोर नहीं दिया ज़्यादा जोर देकर पूछा नहीं तब मैंने उससे यह जानना चाहा कि उसे कैसे मालूम हुआ कि मैं उसे बचाने के लिए आने वाला हूँ तो इस प्रश्न का भी जो उत्तर जो है मुझे इस तरह से मिला कि कुछ बातें सबको मालूम होती है साहब लेकिन कुछ बातें बहुत कम लोगों को मालूम होती है यानी उसने सीधा सीधे रूप में इस बात का भी जवाब नहीं दिया मैं उससे यह जानने का कोई तरीका सोच ही रहा था कि उसने अंग्रेज़ी भाषा का ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान कैसे प्राप्त किया तभी उसने यह टिप्पणी करते हुए मुझे बीच में ही रोक दिया कि यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि, कि किसी व्यक्ति का पहनावा कैसा है बल्कि यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उसका दिमाग किस प्रकार से व्यवहार करता है यानी आप पहनावे को मत देखें आप व्यक्ति के दिमाग को देखें यह अधिकांश बातचीत तब चल रही थी जब मैं उसे अपने ट्रक में चलने की सुविधा दे रहा था और जब मैंने उससे पूछा कि वह कहाँ जाना चाह रहा है तो इस प्रश्न का मैंने उससे सीधा उत्तर पा लिया जब उसने बताया कि वह फिरोज जाना चाह रहा है फिरोज जाना चाह रहा है तो गुडा जो था वो मेरे मार्ग से अधिक दूर नहीं था तो मैंने उसे जल्दी से ट्रक में चढ़ जाने और अंग्रेज सेना के खर्च पर सुविधाजनक यात्रा करने का निमंत्रण दिया जल्दी ही हम उसके गंतव्य स्थल पर यानी फिरोज गुड़ा पहुँच गए और जिस पर उसने मुझे फिर से ये कहते हुए धन्यवाद दिया कि अगली बार मिलने पर वह मेरा रुमाल मुझे साफ करके लौटा देगा मैं उससे ये पूछने ही वाला था कि न तो वो मुझे जानता है और न ही उसने उसे यह पता था कि उस इतने विशाल का सपर सैपर कैंप में मैं उसे कहाँ मिलूँगा तो फिर उसने अगली मुलाकात की व्यवस्था करने का प्रस्ताव कैसे रख दिया लेकिन इससे पहले कि मैं उसे कुछ पूछता हुआ रात के अंधेरे में गायब हो चुका था कुछ सप्ताह पश्चात मेरी पोस्टिंग नई दिल्ली जो मुख्यालय था वहाँ कर दी गई और मेरे वहाँ प्रस्थान करने के एक रात पहले संयोगवश शिविर में कनाडा से आ, कनस्तर बंद बियर की नई आपूर्ति भी आई और साथ ही यह भी संयोग था कि प्रोफेसर राव जैसे एक जेंटलमैन के नेतृत्व में तो भारतीय कलाकारों का एक विशेष दल का दौरा भी उसी दिन हुआ और ऐसा कहा जाता था कि ये लोग विशिष्ट शक्ति पर आधारित आश्चर्यजनक कर्तव्यों का प्रदर्शन करते थे यानी प्रोफेसर राव और उसकी टीम जो थी वो विशिष्ट कर्तव्यों का विशिष्ट शक्ति पर आधारित कर्तव्य दिखाने वाली थी उस दिन कैंप में उन दिनों कैंप में मनोरंजक कार्यक्रमों का प्रचलन नहीं हुआ करता था और इसलिए वेलफेयर ऑफिसर द्वारा आयोजित यह प्रदर्शन कुछ ऐसी देखने की चीज़ थी जिससे नहीं देखने की गलती नहीं की जा सकती थी अतः नासमझी भरी मौज मस्ती कर हम इसे देखने पहुंच गए सब लोग वहाँ इकट्ठे हो गए सभी लोग प्रोफेसर राव और उसकी टीम का प्रदर्शन देखना चाहते थे और वास्तव में हम वास्तव में हम मजाक उड़ाने के इरादे से वहाँ गए थे यानी इन लोगों को विश्वास नहीं था कि प्रोफेसर राव और उनकी टीम ऐसा कुछ दिखाएगी जिसे वो लोग हक्के बक्के रह जाएंगे उन्होंने सोचा कुछ ऐसे ही कर्तव्य होंगे और हम उनका मजाक उड़ाएंगे लेकिन वहाँ कुछ देर बाद ही प्रत्येक व्यक्ति जो वहाँ उपस्थित था वो वहाँ पे चकित रह गया और प्रत्येक अन्य व्यक्ति की भांति हम भी वहाँ पे चकित रह जाने के लिए रुक गए वास्तव में एक अद्भुत प्रदर्शन था और जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो प्रोफेसर जो कोई शक्तिशाली व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा था एक साधारण व्यक्ति नज़र आ रहा था ने दर्शकों में से बारह वॉल्टियर्स को बुलाया जिनका कार्य यह था कि लोहे की एक सलाख को उसके गले के चारों ओर मोड़ दें यानी वो बीचों बीच प्रोफेसर राव खड़े होंगे और छह वॉल्टियर एक तरफ छह वॉलन्टियर एक तरफ और उसके गर्दन गले के द्वारा उस लो, लोहे की रोड को मोड़ा जाना था कैंप के स्टोर से दी गई लोहे की छड़ बारह फीट लंबी थी और प्रोफेसर ने इसे बीचों बीच समांतर रूप से पकड़कर अपने गले पर दबा रखा था जब उन्होंने दोनों ओर छः छः वॉल्टियर्स को खड़ा कर दिया तो प्रोफेसर के संकेत करने पर इशारा करने पर स्वयं सेवक उस छड़ को अपनी पूरी ताकत लगाकर और धक्का देने लगे और इस तरह से लोहे की छड़ अंग्रेजी के यू के आकार में उसके गले की चारों ओर मुड़ गई सभी बड़े आश्चर्यचकित हो गए इसके बाद में अन्य कर्तव्य दिखाए गए किंतु प्रोफेसर राव का जो अंतिम प्रदर्शन था वो अविस्मरणीय था जिसको हम भुला नहीं सकते और इसके पूर्व कि वह इसका प्रदर्शन करे वेलफेयर ऑफिसर ने घोषणा की कि उनके आग्रह पर प्रोफेसर ने एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं एक उन्होंने डिक्लेयर किया है जिसके अनुसार यदि उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है ये कर्तव्य करते समय तो इसके लिए ब्रिटिश सेना किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगी उसको उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता और केवल इन्हीं शर्तों के आधार पर ही प्रोफेसर को अपना लास्ट प्रदर्शन लास्ट कर्तव्य दिखाने की अनुमति प्रदान की गई थी तब दर्शकों द्वारा बनाए गए गोल घेरे के बीच एक पाँच टन का वजनी सेन सेना का ट्रक लाया गया और यही एकमात्र मंच था जिसका प्रोफेसर ने अपने प्रदर्शन हेतु तो उपयोग किया था वह उस ट्रक के नीचे लेट गए ताकि पिछले पहियों में से किसी एक की सीध में उनका सीना हो जाए यानी पिछला पहिया जो था वो उनके सीने के ऊपर से निकलने वाला था उनके सीने के पास में एक पुराना रेल रेलवे का स्लीपर उनको सटा कर एक ढलान बनाने का प्रयास किया गया स्लीपर होता है एक तख्ता होता है रेलवे का लकड़ी का मोटा तख्ता होता है और उसे एक अस्थाई एक स्लोप बनाया गया ढलान बनाया गया जिस पर से ट्रक जो है वो प्रोफेसर राव के सीने पर चढ़ता हुआ दूसरी तरफ से उतरने वाला था इसके पश्चात ट्रक को तेजी से आगे की ओर बढ़ाया गया जिससे कि पिछला पहिया उस रेलवे स्लीपर पर चढ़कर प्रोफेसर की छाती पर से उनके सीने पर से निकल गया और इतने ही सरल और इतने ही क्रूड तरीके से निष्ठुर अंदाज में और साथ ही जितने व्यक्ति उस ट्रक में चढ़ सकते थे उतने व्यक्ति उस ट्रक में चढ़े हुए थे यानी उस ट्रक का जो भार था वो जितना बढ़ सकता था उतना बढ़ा हुआ था प्रोफेसर राव और उनके दल के साथ में एक अन्य भारतीय भी था जिसने शक्ति प्रदर्शन के किसी भी कर्तव्य में भाग नहीं लिया था बल्कि वह अपना सारा समय लगभग एक दस फुट लंबी और दो से तीन फुट चौड़ी एक कम गहरी खाई खोदने में लगा रहा वो एक दस फुट लंबी और दो से तीन फुट चौड़ी खाई को खोदने में लगा रहा जिस समय तक प्रोफेसर ने अपना प्रदर्शन पूरा कर लिया उस समय तक इस खाई को जो रसोई थी वहाँ से लाए गए दहकते अंगारों से कोयलों से भर दिया गया तो लाल दहकते हुए अंगारे इसमें पूरे में भर दिए गए और यह जो आग की खाई थी कोई हंसी मज़ाक की चीज़ नहीं थी हम सभी जो लोग थे वो खाई के चारों ओर एकत्रित एक हो गए और उसकी गर्मी जो थी वो अत्यधिक तेज़ थी वहाँ उनको दूर से ही उसकी गर्मी महसूस हो रही थी तब यह भारतीय जो अपेक्षाकृत बूढ़ा व्यक्ति था वो खाई के एक सिरे पर जाकर खड़ा हो गया और पास में पड़ी बाल्टी को लेकर उसने अपने नंगे पाँव पर पानी के पानी का छिड़काव किया और तब वह अंगारों भरी इस खाई पर चलने के लिए आगे बढ़ा यह एक अद्भुत दृश्य था अविश्वसनीय दृश्य था जैसे जैसे वह उन दहकते अंगारों पर धीरे धीरे चलकर और खाई को पार करता जा रहा था हम यह स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि उन अंगारों से उठती हुई लपटें उसके नंगे पाँव को टच कर रही थी जब वह खाई के उस पार पहुंच गया तो फिर से मुड़ा और पहले की तरह ही अंगारों पर चलने लगा मानो वह अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हुआ था खाई का खाई को दोबारा पार करके वह ज़मीन पर पालथी मार कर बैठ गया और अपने पैरों की ओर संकेत करते हुए हमें बुलाया और कहा कि हम चाहें तो उसके पैरों का निरीक्षण कर लें देख लें उसके पैर कैसे हमने उस बूढ़े भारतीय के पाँव को देखा लेकिन कहीं पे भी कोई भी ब्लिस्टर कोई फफुला कोई छाला नहीं नज़र नहीं आया मैंने भीड़ को धकेल कर उस आश्चर्यजनक व्यक्ति के पाँव को ध्यान से देखा और जैसे ही मैं उसके समीप घुटनों के बल झुका मैंने अपने हाथ में कोई चीज़ महसूस की उसने मेरे हाथ में कोई चीज़ थमा दी ये रुमाल था और जैसे ही उसने रुमाल लेखक को थमाया लेखक कहते हैं तभी मैंने उस व्यक्ति को पहचान लिया मैंने उसे तुरंत पहचान लिया रुमाल सौंपते समय एक पल के लिए मुझे उसने देखा और किंतु जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने फिर से नज़र फिरा ली और मैं भी चुप हो गया और यदि वो उस समय यह बहाना करना चाहता कि वो अंग्रेज़ी नहीं समझता हो तो मेरे लिए ठीक ही था मेरे लिए ठीक था अगर वो ऐसा करना चाहे क्योंकि लेखक को पता था कि वो अंग्रेजी भली भांति समझता था अपने आसपास एकत्रित लोगों की प्रशंसात्मक बातें उसे निश्चित रूप से अच्छी लग रही थी वो उनकी प्रशंसा सुनना चाह रहा था अब तक प्रोफेसर भी पाँच टन वजनी ट्रक से मुकाबले वाले अपने खतरनाक प्रदर्शन के बाद तरोताजा होकर वापस वहाँ आ चुका था और उसने अपनी ए, टूटी फूटी अंग्रेज़ी में घोषणा की कि अंगारों पर चलने वाला व्यक्ति जो है ये फायर वॉकर जो है वो अपने साथ स्वेच्छापूर्वक चलने वाले एक व्यक्ति के साथ उस खाई को पुनः पार करेगा यानी कोई भी आप में से एक वॉलंटियर तैयार रहें और उसको साथ लेकर एक बार और ये फायर वॉकर बूढ़ा व्यक्ति जो है इस खाई को पार करेगा यह सुनकर एक जोरदार वहाँ पे ठहाका लगा किंतु मैं उस हंसी में शामिल नहीं हुआ मैं जानता था कि मैं ही वह व्यक्ति था जो आग की इस खाई को पार करने जा रहा था हालांकि इस विचार मात्र ने ही मुझे भय से वहाँ पे जड़वत कर दिया एकदम स्थिर कर दिया सुन कर दिया मैं फायर वॉकर के नज़दीक पहुँचा और उसके सामने खड़ा हो गया उसने अपने हाथ मेरे कंधों पर रख दिए और धीरे से बोला जिसे मेरे अलावा दूसरा कोई सुन न सका यानी इतना धीरे बोला कि सिर्फ मैं ही सुन सकता था उसने कहा जब आप अपने बूट उतारें तो मन का भय भी वहीं निकाल दें बूट के साथ साथ अपना भय भी निकाल दें और यह आग आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैं ज़मीन पर बैठ गया और अपने पैरों की पट्टियाँ बूट मोजे जो थे ये सब उतार दिए और बड़ी आश्चर्य की बात थी कि यह सब करने के बाद मेरे मन में जरा भी डर का अनुभव नहीं रहा सिर्फ एक तेज उत्सुकता एक तीव्र उत्सुकता मेरे मन में थी कि आगे क्या होगा मैं खाई के उस प्रारंभिक सिरे पर पहुंचा और आग पर चलने वाले उस व्यक्ति ने यानी फायर वॉकर ने मेरे और अपने पाँव पर पानी छिड़काव किया इसके बाद में बहुत धीरे से उसने मुझे कहा कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ और विचार करूँ सोचू इंग्लैंड के सारे हरे भरे खेतों और शांत ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में एक काग्रता पूर्वक तरीके से सोचूं और मुझे ये कल्पना करनी थी कि मैं किसी गांव की गली में चल रहा हूं और मेरे आसपास हरे भरे खेत हैं मुझे अपना पूरा ध्यान वहीं पर केंद्रित करना था तब वह मेरे सामने मेरी ओर पीट करके खड़ा हो गया और मेरे हाथों को उसने अपने कंधों पर रखने के कहा यानी आगे वो फायर वोकर चलने वाला था उसके पीछे पीछे उसके कंधों पर हाथ रखकर लेखक चलने वाला था उसने अपने निर्देश एक बार फिर से दोहराए फिर से उसने समझाया और तब लेखक ने आंखें बंद कर ली आंखें बंद किए और मन में पूरी तरह हरे भरे खेतों की कल्पना लिए मैंने उसे धीरे धीरे आगे की ओर चलना शुरू करते हुए महसूस किया लेखक की आंखें बंद है उसको महसूस हो रहा कि अब वो लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं अब इस समय लेखक मन ही मन विचार कर रहा था आ, लेखक का विचार ये था कि मैं वापस इंग्लैंड पहुंच गया था अगर और ठीक ठीक तरीके से मैं बताऊं तो मैं हैंड्री पार्क के निकट मनमाउथ के ठीक बाहर स्थित रोकफील्ड सड़क पर चल रहा था ऐसा लेखक को महसूस हो रहा था और युद्ध के शुरू में जब मैं रोक में रहता था तो इस सड़क के इस भाग पर अनेक बार आ जा चुका था अनेक बार गुजर चुका था मेरे दोनों तरफ हरे भरे खेत थे और यह दृश्य असीम रूप से और शांत था शांति लिए हुए था यह गर्मी की रितु का एक सुहाना दिन था और मैं सूर्य की किरणों को उनकी तपन को अपने कपड़ों को भेदते हुए महसूस कर सकता था मुझे महसूस हो रही थी सूर्य की गर्मी मेरा मस्तिष्क मेरा दिमाग अद्भुत रूप से और पूरी तरह से शांत था वैसा मैंने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया और उसके बाद आज तक कभी वैसी स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाया हूँ यानी ना तो उससे पहले कभी मैंने वैसा महसूस किया था और ना आज तक मैंने यानी आज उस बात को 20 साल हो गए अभी भी मैंने इस बात बात को दोबारा महसूस नहीं किया अचानक ही मुझे सर्दी सी महसूस हुई जैसे सूरज जो है वो बादलों के पीछे छिप गया हो मैंने अपनी आंखें खोली तो अपने आप को पहले की तरह उस फायर वॉक करके पीछे खड़ा पाया जबकि मेरे हाथ जो थे वो अभी भी उसके कंधों पर रखे हुए थे वह पीछे घूमा और मेरी तरफ देखा तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैंने अंगारों भरी उस खाई को पार कर लिया था वो अंगारों भरी खाई जो थी वो मेरे पीठ पीछे थी हमने उसकी पूरी लंबाई पार कर ली थी और अपने प्रारंभिक बिंदु पर हम वापस आ गए थे मैंने उस आग पर चलने वाले को उस फायर वॉकर को फिर कभी नहीं देखा जो कुछ हुआ था उससे मैं पूरी तरह से भ्रमिस्सा था और उत्तेजना के उन क्षणों में जब प्रत्येक व्यक्ति ने मेरे चारों ओर भीड़ बना ली थी वह मेरी दृष्टि से ओझल हो गया था वो चुपचाप वहाँ से चला गया था उसके बाद में जब शिविर में हर कोई मेरे पाँव का निरीक्षण कर चुका था जो पूरी तरह से साफ सुथरे थे सुरक्षित थे और तब मुझे अपने बूट पुनः पहनने की अनुमति मिली मैं उसे ढूंढने भी गया लेकिन वह गायब हो चुका था वो वहाँ नहीं था मैंने प्रोफेसर से उसके बारे में पूछने की कोशिश की किंतु वह मुझे कुछ भी न बता पाए या वो मुझे कुछ भी बताना नहीं चाहते थे और अगले दिन जैसे ही सुबह हुई मैंने एक ट्रक लिया और फिरोजगुड़ा की ओर यह देखने निकल पड़ा कि कहीं वह फायर वॉकर जो था वो बूढ़ा व्यक्ति मुझे मिल जाए लेकिन यह कार्य जो है इस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं निकला मुझे निराशा ही हाथ आई यानी वो व्यक्ति जो है लेखक को नहीं मिला और कुछ घंटों पश्चात ही मैं नई दिल्ली की ओर चल पड़ा यानी लेखक की पोस्टिंग जो थी वो नई दिल्ली हो गई थी ये वहाँ के लिए रवाना हो गए इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स भी हम डील करेंगे एक क्वेश्चन बनता है वेयर एंड इन वॉट कंडीशन डिड द नरेटर मीट द ओल्ड मैन वाइल ड्राइविंग बैक टू द आर्मी कैंप इन द इवनिंग यानी शाम को सैनिक शिविर में वापस जाते समय लेखक को कहाँ और किस अवस्था में वो वृद्ध व्यक्ति मिला वो बूढ़ा व्यक्ति मिला तो हमने इसमें देखा कि लेखक जब सड़क पर एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर वो दो भागों में बाईफ्रगेट हो रही थी एक रोड जो है वो लेफ्ट में जा रही थी एक राइट में जा रही थी एक फोर्क में डिवाइड हो रही थी तो वहीं पर वो बूढ़ा भारतीय व्यक्ति लेखक को मिला वह लेखक को बाई ओर की सड़क पर अपने कैंप में जाना था जबकि वो बूढ़ा भारतीय व्यक्ति दाई हाथ वाली सड़क पर जमीन पर पड़ा हुआ था और खून से लथपथ था घायल था एक क्वेश्चन है वॉट डिड द राइटर डू इंस्टेंटली टू हेल्प दुंडेड ओल्ड मैन वॉज हिज कंडीशन ए सीरियस एज द नरेटर हैड थॉट ऑफ लेखक ने उस घायल वृद्ध व्यक्ति की सहायता के लिए तुरंत क्या किया क्या उसकी स्थिति उतनी ही गंभीर थी जितनी लेखक ने सोची थी तो इसमें हमने देखा था कि लेखक के पास में फर्स्ट एड किट नहीं था एक प्राथमिक उपचार का कोई साधन नहीं था उसने एक बड़ा सा रूमाल निकाला और उस वृद्ध व्यक्ति के चेहरे से खून को साफ किया और जहाँ तक उसकी गंभीर स्थिति का प्रश्न था वो घायल व्यक्ति उतना गंभीर नहीं था वह होश में था और उससे कोई अंदरूनी चोट भी नहीं लगी थी और वह दो एंग्लो इंडियन से बचने के लिए जानबूझकर अचेत होकर पड़ा हुआ था एक प्रश्न बनता है नेम थ्री इम्पोर्टेंट फीसड परफॉर्म्ड इन द शो उस शो में प्रदर्शन में दिखाए गए तीन महत्वपूर्ण फीट्स यानी कौशल कौन कौन से थे उनके नाम बताइए तो हमने देखा कि प्रोफेसर राव और उनकी टीम के द्वारा कई तरह के कौशल वहाँ पर दिखाए गए जिसमें पहला कौशल था कि प्रोफेसर राव के द्वारा लोहे की एक छड़ को गले पर दबाकर यू आकार में मोड़ देना और दूसरा प्रदर्शन था उनके द्वारा कि उनके सीने से पांच टन वजनी ट्रक का गुजरना और आखिरी कौशल जो था वो उस वृद्ध व्यक्ति उस फायर के द्वारा किया गया था वो आग पर चलकर दिखाना ये तीन फीट्स जो थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे जो वहां पे दर्शाए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट डिड बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वॉक थ्रू द फायर यानी यहाँ पे जो नरेटर है वर्णन करता है लेखक है उसने आग पर चलने से पहले आग पर चलने के दौरान और आग पर चलने के बाद में क्या महसूस किया तो हमने देखा कि आग पर चलने से पहले लेखक जो था वो डरा हुआ था और डर के मारे वो एक जगह स्तंभित हो गया था और जे लेकिन आग पर चलने के दौरान जब आँख बंद करके वो चला तो उसने ऐसा महसूस किया जैसे कि इंग्लैंड में वह हरे भरे खेतों से युक्त एक स्थान पर भ्रमण कर रहा है हैंडर पार्क के पास मनमाउथ के ठीक बाहर रोज फील्ड की सड़क पर चल रहा हो उसने ऐसा महसूस किया जहाँ चारों तरफ हरे भरे खेत थे और बड़ा अद्भुत और शांतिपूर्ण दृश्य था और गर्मी का एक सुंदर दिन था और सूर्य का प्रकाश जो था उसके ऊपर गिर रहा था उसकी गर्मी उसको महसूस हो रही थी उसका मन मस्तिष्क जो थे वो आश्चर्यजनक रूप से शांत थे और आग पर चलने के दौरान ही अचानक जब उसको ऐसा महसूस हुआ कि सूर्य जो है बादलों के पीछे छुप गया है और उसको अचानक ठंडक महसूस हुई तो उसने अपनी आँखें खोली और देखा कि वो आग पर चल और वहाँ घूम वापस आ चुका था प्रारंभिक बिंदु पर और उसने आग पर चलने के दौरान जो मानसिक शांति और अनुभव प्राप्त किया था अपने जीवन में फिर कभी वो मानसिक आनंद वो शांति वो दिव्य शांति उसने फिर कभी भी प्राप्त नहीं की एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो निकल कर आता है कि वॉट पिक्चर ऑफ़ द ओल्ड फायर वॉकर ग्रेजुअली एमर्जेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द नरेटिव यानी इस वृतांत के दौरान उस आग पर चलने वाले व्यक्ति की क्या तस्वीर धीरे धीरे उभर कर आती है उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में हमें क्या पता चलता है तो हमने इस पाठ के अंदर देखा कि ये जो बुजुर्ग व्यक्ति था ऐसा लगता था कि कोई ये तपस्वी और कोई आ, ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने मस्तिष्क और अपने शरीर की शक्तियों पर विजय प्राप्त कर ली थी जो आ, थोड़ा साधारण व्यक्तियों से थोड़ा अलग विशिष्ट शक्तियों से युक्त व्यक्ति था और उनकी बातों से ऐसा पता लग रहा था कि उससे कुछ बातें पहले ही पता चल जाती थी जैसे उसने पहले कहा कि लेखक को कहा कि वह उसे बचाने आएगा और आगे हमने देखा कि वो हालांकि उसके कपड़े जो थे वो पुराने से और नंगे पांव वो घूमता था लेकिन वो अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलता था ऐसा लगता था कि वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो और सन्यासी जीवन जीने के कारण उसने यह सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया हो उसकी सोच जो थी वो दार्शनिक जैसी थी वो कोई भी प्रश्न का उत्तर जो है सीधी भाषा में नहीं देता था फिलोस नज़र आता था और उसने लेखक को एक जगह कहा भी था कि शरीर किस प्रकार के वस्त्रों से ढका यह महत्वपूर्ण नहीं है जबकि यह महत्वपूर्ण है कि मस्तिष्क कैसे काम करता है और आग पर चलने का कर्तव्य उसने अविश्वसनीय कौशल को प्रदर्शित कर दर्शाया और नंगे पैरों पर चलकर उसने ना केवल स्वयं चला बल्कि उसने लेखक को भी अपने साथ में चलकर दिखाया और बिना किसी चोट के नुकसान के किसी निशान के और मानसिक शक्तियों पर नियंत्रण कर और भारतीय जो एक विस्मयकारी जो दर्शन है उसका प्रयोग कर विचित्र शक्तियों का प्रयोग कर और इन शक्तियों को लेखक को भी हस्तांतरित कर अपने इस प्रदर्शन को बखूबी उन लोगों को दिखाया तो ये एक आ, विशिष्ट तपस्वी व्यक्ति इस पाठ से होकर नज़र आता है तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे आशा है आपको ये पाठ भलीभांति समझ में आ गया होगा और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें बहुत बहुत धन्यवाद